हाँ जी सत श्री अकाल जी अते तुहाडा सब दा एक बार फिर तो स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट पंजाब उत्ते। अज असी तुहाडे नाल विज्ञान दा बहुत ही रहस्यमय एक्सपैरीमेंट सांझा करांगे। इस वीडियो विच असी देखांगे कि ओह केड़ा एक्सपैरीमेंट सी जिस दी वरतों यह साबित करने लई कीती गई कि सचमुच विच ही मरन तों बाद आत्मा शरीर विचों बाहर निकलती है। की एक्सपैरीमेंट सच विच ही सफल रहा सी जां नहीं, इन्हां सारे सवालों के जवाब जानने लई वीडियो नूं अंत तक जरूर देखना। सो बिना किसी देरी तो वीडियो नूं शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग इस गल विच यकीन करते हैं कि मरन तों बाद व्यक्ति के अंदर की आत्मा बाहर निकल जाती है, पर इस गल विच किन्नी को सच्चाई सी इसका पता लगाने लई साइंटिस्ट डंकन मैकडोंगल ने 1907 विच एक एक्सपैरीमेंट किया। वो इस एक्सपैरीमेंट में यह देखना चाहता सी कि जेकर सचमुच ही व्यक्ति के मरण तो बाद उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है तो मरण वाले व्यक्ति का भार घटना जरूर चाहिए है, क्योंकि वह समझता सी कि आत्मा का कुछ तो भार जरूर होगा। इसलिए उसने इलीगल ढंग के नाल 6 मरण किनारे पे व्यक्तियों को एक थान पर भार चैक करने वाली मशीनों उपर लटा दिता। जदों ये व्यक्ति मर गए तो इन्हां विच्चों सिर्फ एक व्यक्ति का भार 21 ग्राम घटिया, बाकी व्यक्तियों के भार विच कोई खास बदलाव ना आया, इस करके वो अपने इस एक्सपैरीमेंट तो कोई भी नतीजा ना कढ सकिया। पर उसनू ये पूरा यकीन सी कि जेकर इस एक्सपैरीमेंट की वड्डे पद्धर ते जांच पड़ताल की जाए तो उसका यह प्रयोग जरूर कामयाब होगा। पर गल इत्थे ही नहीं मुकदी, उसने कई होर भी खतरनाक एक्सपैरीमेंट किए। इस तो बाद लोगों विच यह भी विश्वास है कि मनुखों विच आत्मा होंदी है पर जानवरों विच नहीं, इसलिए डंकन मैकडोंगल ने कुत्तियां उपर अपना यह एक्सपैरीमेंट करने की कोशिश की। इसलिए उसने बीमार अते मरन किनारे पे कुत्ते लब्भे पर वह उन्हां नूं लब्भण विच असफल रहा। तो अखीर विच उसने अपना एक्सपैरीमेंट पूरा करने लई 15 कुत्तियां नूं जहर दे दिता। इस पिछों उसने ये देखा कि मरे हुए कुत्तियां विच्चों किसी भी कुत्ते का भार नहीं घटिया। इस तरह वह बेरहमी के नाल कई एक्सपैरीमेंट करता रहा अते अखीर विच कई एक्सपैरीमेंट तो बाद उसने ये नतीजा कढ़िया कि बंदे विच आत्मा होंदी है पर जानवरों विच नहीं। वह अपने इस एक्सपैरीमेंट अते नतीजे बारे बाकी साइंसदानां नाल डिस्कस करना चाहुंदा सी, पर किसी ने उसके इस एक्सपैरीमेंट की खबर नूं लीक कर दिता अते बिना किसी तो पुछे अखबारों वालिया ने यह छाप दिता कि साड़ी रूह का भार 21 ग्राम हुंदा है। उस वेले सोल हैज़ वेट नाम का आर्टिकल बहुत मशहूर होया। इस तरह यह एक्सपैरीमेंट होरना साइंटिस्ट की मंजूरी तो बगैर लोगों विच चर्चा का विशा बन गया सी। पर बाद विच डंकन मैकडोंगल दे इस एक्सपैरीमेंट की चंगी तरह जांच पड़ताल की गई। इस पिछों बाकी साइंसदानों ने उसका एक्सपैरीमेंट पूरी तरह नकार दिता अते उसनू गलत साबित किया। अमेरिकन साइंटिस्ट पी क्लॉर्क ने दसिया कि जदों व्यक्ति मर जाता है तो उसके फेफड़े काम करना बंद कर देंदे हन, जिस कारण वह खून नू ठंडा नहीं रख पाते अते इस नाल साडी बॉडी का टैंपरेचर वधन लगता है अते मरे हुए व्यक्ति विच बहुत सारा पसीना बाहर निकल लगता है। पसीने के बाहर निकलने के नाल भार भी घट जाता है, जिमें कि एक्सपैरीमेंट वाले व्यक्ति का 21 ग्राम घटिया। उसने यह भी दसिया कि कुत्ते का भार क्यों नहीं घटिया। दरअसल कुत्ते दे विच स्वेट ग्लैंड्स भाव के पसीना ग्रंथियां नहीं होंदिया, जिस कारण उन्हां दा भार नहीं घटिया। इस तो कुछ समय बाद भी डंकन मैकडोंगल ने आत्मा नूं साबित करन दीआं कई कोशिशां कीतीआं। 1920 एक एक्सपैरीमेंट दौरान उसने मरे हुए व्यक्ति की आत्मा नूं कैमरे विच कैद करन दी कोशिश कीती, पर इस दौरान उसकी रहस्यमई तरीके नाल मौत हो गई। उसकी मौत तो बाद विच ये एक्सपैरीमेंट होर भी ज़्यादा पापूलर हो गए अते इस उपर हॉलीवुड मूवी भी बनी। इस मूवी का नाम सी 21 ग्रैम्स। ये मूवी 2003 विच रिलीज़ की गई अते ये बहुत मशहूर भी हुई। इस फिल्म की रेटिंग IMDB के अकॉर्डिंग 7.7 है। जेकर तुसीं भी इस मूवी का ट्रेलर देखना चाहते हो तो तुसीं डिस्क्रिप्शन विच दित्ते हुए लिंक उपर जाके क्लिक कर सकते हो।
मैनू उम्मीद है कि तुहानू तुहाडे सारे सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे। जेकर तुहानू ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो नू लाइक और शेयर करना ना भुल्यो। जेकर तुसी इसे तरह दियां होर वीडियो नू देखना चाहते हो तो साडे फैक्ट पंजाब चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुल्यो। थैंक यू।